तुझे टुकड़ों में नहीं जीना है। दोस्तों स्क्रीन में जो आप स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इस प्रकार का क्रिएट करना चाहते हैं, खुद का फोटो लगाकर या फिर किसी भी फ्रेंड्स का फोटो को लगाकर इस प्रकार का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट बने रहना होगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे हम इस प्रकार के वीडियो को क्रिएट करते हैं। सो गाइस वीडियो में बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन करना, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 9:16 को यहाँ सेलेक्ट करना, रेशियो को, और नीचे जो क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कुछ नया इंटरफेस आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ ओपन होने तक कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों क्या करना है, एक इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सो गाइस जिस फाइल में आप करेगा उस फाइल को ओपन करना है यहाँ से, और यहाँ पर देखिए इस वाला इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस वाला को इमेज को सेलेक्ट करने के बाद जितना सेकंड का आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उतना सेकंड यहाँ से इसका बढ़ा लेना, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों बढ़ाने के बाद क्या करना है, इमेज पे क्लिक करना और यहाँ पैन जूम का जो ऑप्शन इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस इमेज को अपने हिसाब से यहाँ पर आप जूम करके यहाँ थोड़ा इस प्रकार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना और यहाँ देख के एंड पोजिशन का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके यहाँ से बैक कर लेना, ठीक है। बैक करने के बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पे क्लिक करना, देन गाइस मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, स्मोक वाला वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना इस प्रकार का। सो गाइस आपका जिस फाइल में रहेगा उस फाइल को ओपन कीजिएगा, इस प्रकार से स्मोक वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रोल करके यहाँ पर नीचे आना और यहाँ पर देखिए ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर रोटेट कर लीजिएगा, इस प्रकार से। रोटेट करने के बाद दोस्तों इसको आपको क्या करना है, बड़ा कर लेना है इस प्रकार जूम करके। बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना, कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों बैक करना। बैक करने के बाद फिर से आपको नीचे स्क्रोल करके चले आना। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मिल जाएगा आपको क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पे क्लिक करना, यहाँ से इसको इनेबल कर लेना और यहाँ सेप पे क्लिक करके इस वाला सेप को सेलेक्ट करके यहाँ से बैक कर लेना, ठीक है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ फिदर का जो ऑप्शन है इसको यहाँ से क्या करना, आपको 30 पे रख लेना, यानी कि 30 पे सेलेक्ट कर लेना इस प्रकार से। इस प्रकार से 30 पे सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक करना। बैक करने के बाद फिर से आना होम स्क्रीन में, यहाँ से लेयर पे क्लिक कर देना। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया में क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से उस फाइल को ओपन करना जिस फाइल में आपका कलर टेम्पलेट या कलर वाला वीडियो रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना, इस वीडियो को आपको जूम करके बड़ा कर लेना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से। सो गाइस यहाँ पर हम इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस प्रकार से बड़ा कर लेना, इस प्रकार से। सो गाइस बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इतना में आपको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना। ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में आपको ओवरले एक एनिमेशन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक कर लेना। बैक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया पर क्लिक कीजिएगा। मीडिया में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस इस प्रकार का इमेज अगर आपके पास नहीं तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों इस इमेज को क्या करना, अपने हिसाब से यहाँ पे बड़ा कर लेना इस प्रकार से, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे जाना है, यहाँ पे क्रॉपिंग पे चले जाना। क्रॉपिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको इनेबल करके यहाँ पे फिगर को आपको क्या करना है, 30 पे रख लेना है, कुछ इतना 30 पे रख लेना, ठीक है। 30 पे रखने के बाद दोस्तों फिर से बैक आना। बैक आने के बाद दोस्तों दोबारा क्या करना, आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, आपको व्हाइट ये ब्लैक स्क्रीन का स्टेटस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कराना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रोल करके जाना और यहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इस प्रकार से यहाँ ब्लेंडिंग में क्लिक करना। देन गाइस यहाँ स्क्रीन को सेट कर लेना। स्क्रीन को सेट करने के बाद दोस्तों इसको अगर आप जूम करके बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से बैक आना। बैक आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, आपको एक ये साइड बॉर्डर PNG को ऐड कर लेना इस प्रकार से, ठीक है। ऐड करने के बाद दोस्तों ये इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन करने के लिए सिलेक्ट स्क्रीन में जाना।
यहाँ से इसको सफ़ेद डिब्बे पे क्लिक करके फुल स्क्रीन करके यहाँ से बैक कर लेना। बैक करने के बाद दोस्तों ब्लेंडिंग में आना। ब्लेंडिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, स्क्रीन पे सेट कर लेना। ठीक है, स्क्रीन पे सेट करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ को वीडियो को प्ले करके हमको देख लेना है इस प्रकार से। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे स्टेटस वीडियो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी कोई इस प्रकार का नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।